हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 21 सितंबर को जो मार्केट में फॉल हुआ है फ्राइडे को, वो फॉल वहीं पे कंप्लीट हो गया है या फिर वो फर्दर और फॉल हम लोग को देखने मिलने वाला है। और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फॉल में जो हम लोग ने सारे आज बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 52 वीक लो के पास थे, ऐसे भी स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ही मतलब इंट्राडे में ही बहुत सारे डाउनसाइड दिखा दिया, उसके बाद वापस नियर टू क्लोज या नियर टू ओपन प्राइस आ गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और क्या मार्केट अभी यहाँ से और नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, हम लोग निफ्टी का चार्ट चेक करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट शायद 10,700 आ सकता है, तो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक ही दिन में इतना नीचे आ जाएगा। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, दिस इज़ डेली चार्ट। हम लोग ये टाइम फ्रेम को थोड़ा वीकली में पोस्ट करेंगे बिकॉज एक लंबे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा मार्केट रिलेटेड। अभी मैंने लास्ट वीक एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर 11,250 निफ्टी नहीं तोड़ती है तो शायद हम लोग 11,600 या फिर 12,050 भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, वो वीडियो के बाद मार्केट ने हाई मारा था ऑलमोस्ट 11,573 का, 11,600 भी नहीं तोड़ा था, ऑलमोस्ट कुछ 25-30 रुपए के लिए वो टारगेट रह गया था। उसके बाद मार्केट ने सेकेंड वीक में अगेन मार्केट अपना 11,250 के नीचे आ गया और अभी आज हम लोग ने जो फॉल देखा था मतलब 21 सितंबर फ्राइडे को जो फॉल देखा था उसका लो मार्केट ने बना दिया था ऑलमोस्ट 10,870 का, 69 आप बोल सकते हो, 10,870। तो अभी क्या निफ्टी यहाँ से और फॉल दिखा सकता है या फिर ये आज जो फॉल हम लोग ने देखा वो कंप्लीट हो गया था? बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से अगर ये कैंडल को आप एनालाइज करोगे तो ये कैंडल ओपन हुआ था कुछ 11,456 पे, उसके बाद इसने लो मारा है 10,870 का और उसने जो क्लोज़ दिया है वो 11,143 का दिया है, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग बहुत ही अच्छा आया है। तो हम लोग इसको वीक कैंडल नहीं बोल सकते, तो ये कैंडल भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है टूवर्ड्स बाय साइड। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में जो फॉल आना था वो आज एक्चुअली आ चुका है। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगा। और आप यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का एक सपोर्ट एरिया देख सकते हो, इसका बाइंग रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 10,870 से लेके 10,550 तक का। मतलब अगर ये जोन के अंदर मार्केट आता है तो हम लोग शायद एक पुल बैक वापस से देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना भी नहीं जाएगा। अभी मंडे हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट और नीचे जाने वाला है या यहाँ से थोड़ा स्टेबल होने वाला है। तो ये तो रहा निफ्टी का व्यू। अभी जो मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट आज हिट हो गया था, तो मैंने जो अपनी शॉर्ट निफ्टी थी वो कवर कर ली थी। अभी आई विल वेट फॉर फर्दर सम एक ट्रेंड पता चलने के बाद आई कैन गेस कि आगे हम लोग क्या करना चाहिए, वो हमको एकदम क्लियर पिक्चर देगा। तो अभी निफ्टी में तो मैं अपना कोई व्यू आपको खास दे नहीं सकूँगा, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता मार्केट। तो आज मैंने मार्केट में 3 नए स्टॉक्स मतलब मैंने रियलाइज़ किए जो लेने जैसे है, उसमें से फर्स्ट स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, दैट इज़ मारुति। हम लोग मारुति का चार्ट देख लेते हैं, दिस इज़ मारुति। मैंने अपने ट्विटर पे 3 सितंबर को जब मारुति 8,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मेरे ख्याल से वो यहाँ पे था, तब मैंने एक ट्वीट किया था कि मारुति शायद 8,200 या फिर 8,000 का भी प्राइस दिखा सकता है। तो आज सुबह मैं बहुत खुश था कि भाई मारुति ने मेरा टारगेट हिट किया है और वो मेरे बाय जोन के पास आ गया है। ये जो ग्रीन कलर का जो आप जोन देख रहे हो दैट इज़ माय बाय जोन। और फिर आज मार्केट जब नीचे आया था तभी मारुति ने ऑलमोस्ट 7,651 का लो मार दिया था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 7,650 का एक स्टॉप लॉस है और वहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 8,700, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद मेरा सेकेंड टारगेट जो है वो ये है 9,500, और 9,500 के बाद मेरा जो थर्ड टारगेट है दैट इज़ 10,000। तो
अभी मैं मारुति बाय करने के लिए देख रहा हूँ, और मैंने एक्चुअली आज मारुति थोड़ा ऐड भी किया है, तो मैं आपको भी यही गाइड करूँगा कि अगर आपको थोड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, तो आप मारुति लेके रख सकते हो। मारुति का आज का क्लोजिंग प्राइस है 8,040, तो आप मारुति को ले सकते हो 8,100 या 8,000 के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7,650। अभी ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद भी ये ख़रीद सकते हो। उसके बाद मेरा जो आज का दूसरा स्टॉक है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये कोटक बैंक है, और ये कोटक बैंक का मैंने जो चार्ट लगाया है वो अभी वीकली लगाया है, मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा इन मंथली। देखो, आप जितना लंबा टाइम फ्रेम अगर आप रखते हो ना लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा अपने एनालाइज करने में कि भाई एक्चुअली स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे कोटक बैंक का ट्रेंड देखोगे, तो ये ट्रेंड कोटक बैंक का पॉजिटिव है, यहाँ से लेके ऊपर ही जा रहा है। मतलब कोई ऐसा डाउन ट्रेंड इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, अगर आ भी रहा है तो डाउ थियरी के हिसाब से हायर हाई और लोअर लो क्रिएट करते हुए ऊपर ही जा रहा है। तो कोटक बैंक में बाय करने का लॉजिक क्या है? एक रीटेस्ट करके एक थियरी होता है। अभी कोटक बैंक ने हाई मारा था, कोटक बैंक का हाई था 1115, उसके बाद वो कभी 1115 ब्रेक नहीं कर रहा था। मैं आपको इसको वीकली में दिखा देता हूँ थोड़ा और क्लियर पिक्चर के लिए। देखो, 1115 उसका हाई था, यहाँ पे उसने एक बार अटेम्प्ट किया था, उसके बाद उसने 1115 वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। ये देखो, ये दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद फिर से कोटक बैंक ने सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया था। ये कोटक बैंक का सेकेंड टाइम अटेम्प्ट था, और जब भी कोटक बैंक ने थर्ड अटेम्प्ट किया था तभी उसने ब्रेकआउट दिया था, एंड दिस वॉज द थर्ड अटेम्प्ट। तो ये अटेम्प्ट के टाइम पे कोटक बैंक ने ब्रेकआउट दिया, और 1115 से ऑलमोस्ट कोटक बैंक का प्राइस हो गया था 1415 या 1420 तक का। तो रिटेस्ट थियरी क्या बोलती है कि जहाँ से वो स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था, मतलब फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल, वो स्टॉक कभी ना कभी तो वो लेवल पे फिर से रिटेस्ट करने आता ही है। तो ये जो है वो 1115 का ब्रेकआउट लेवल था, और अभी आज कोटक बैंक ने जो लो मारा था वो ऑलमोस्ट लो था उसका 1149 का, और आज उसने 1180 का क्लोज़ दिया था। तो अगर अभी आपको कोई एक स्टॉक है जो आप अगर डिलीवरी के लिए लेना चाहते हो, तो यू बाय कोटक बैंक। कोटक बैंक अभी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो मेरा टारगेट, उसका पहला टारगेट रहेगा 1400 रुपया, और उसके बाद अगर और थोड़ा ऊपर जाता है तो वी कैन सी 1500 ऑल्सो। तो कोटक बैंक इज़ ऑल्सो गुड बाय फॉर सम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मेरा थर्ड स्टॉक है जो आईटी रिलेटेड स्टॉक है, वो है विप्रो। विप्रो में इसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि विप्रो का मैंने जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं चार्ट चेक कर रहा था, तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव चार्ट। अगर आप उसका मंथली चार्ट देखोगे तो विप्रो के मंथली चार्ट में आप एक क्लियर पिक्चर देख सकते हो। अभी विप्रो जो ट्रेड कर रहा है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है, तो उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट कितने के प्राइस के ऊपर होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो विप्रो का प्राइस था, ये प्राइस था 2000 में, तो 2000 में विप्रो का जो प्राइस था वो विप्रो ने ऑलमोस्ट ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, बट वहाँ से वो ब्रेकआउट नहीं हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट, 2000 में उसने एक पहला अटैम्प्ट किया था जो 338 के ऊपर के लिए। उसके बाद उसका सेकेंड अटैम्प्ट था इन द ईयर ऑफ 2015 यहाँ पे। उसके बाद उसका जो थर्ड अटैम्प्ट था वो यहाँ पे है, जो अभी रिसेंटली हुआ था 2018 जनवरी मंथ में। अभी उसका जो फोर्थ अटैम्प्ट है, अभी तक वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट वी कैन से हम लोग सिर्फ यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि अगर विप्रो 338 के ऊपर क्लोज देता है, 338.90 और यू कैन से 339 ऑल्सो, तो हम लोग उसका प्राइस 455 तक देख सकते हैं। तो मेरा एक लॉन्ग टर्म, आप बोल सकते हो 1-2 साल के लिए अगर आपको बाय करना है तो यू कैन बाय विप्रो, और आप उसको SIP की तरीके से भी ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। तो विप्रो एक अच्छा बाय रहेगा अगर वो 339 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज देता है तो। उसके बाद मेरा थर्ड स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का मैं आपको चार्ट देखा देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी मैंने अपने ट्विटर पे बाइंग रिकमेंडेशन दिया था 20 जुलाई को 2050 में। उसके बाद 3 सितंबर को भी मैंने वापस से उसके ऊपर मैंने अपना व्यू दिया था, बिकॉज़ मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो अटैम्प हो गया था। अभी सेकेंड टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट 2900 के आसपास है,
शायद वो भी आने वाले टाइम में हिट हो जाएगा, बट उसका जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 4,000 प्लस है। और अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करूँ 5 साल के लिए, तो उसके लिए मेरा टारगेट उसका 8,000 का आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर रेड्डी क्यों ख़रीदा? पहला रीज़न तो ये है कि मैंने अपने सबसे सेकंड वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फार्मा सेक्टर अभी अच्छा है, फार्मा सेक्टर में कौन से सारे स्टॉक्स हैं जो आपको लेने चाहिए। तो मैं फार्मा सेक्टर की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर ही दी थी, साथ ही साथ मैंने डॉक्टर रेड्डी भी बाई किया है। तो डॉक्टर रेड्डी का जो था वो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट ले रहा था। मेरा पोस्ट पे भी आप देख सकते हो 1850 का उसका मेरा स्टॉप लॉस था, अभी ऑलमोस्ट स्टॉक्स 2600 तक रिसेंटली गया था। आज की बात करूँ तो 2600 के प्लस था, उसके बाद आज उसने क्लोज़ दिया है 2556। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म। इसके अब मेरा टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि नियर बाय टारगेट उसका 2900 है, उसके बाद मेरा टारगेट जो है वो 4400 और 8000। 8000 है मेरा 5 साल के लिए, पर 4400 इज़ फॉर 3 ईयर्स 2 ईयर्स, तो अभी देखते हैं कैसे होता है। तो एक डॉक्टर रेड्डी भी एक अच्छा बाय बनेगा आपके लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये सारे वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे उनको भी कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक रिलेटेड एक हेल्प मिल जाए। थैंक यू।